जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन। यस, इंटीग्रेशन क्या होता है और ये कितने तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। तो इंटीग्रेशन एक्चुअली में ये जो है, इट इज़ एन इनवर्स प्रोसेस, इट इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव, क्लियर है? तो एंटी डेरिवेटिव, सबसे पहले डेरिवेटिव तो हम लोग पहले से ही जान चुके हैं कि यह डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे देखिए, एक्स का यदि हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा, वन। अब एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से एक्स हमें मिल सकता है। दैट मीन्स जब हम इस वन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स। तो ये एक्स प्लस सी क्या हो गया, सी इज द कॉन्स्टेंट। तो एक्स क्या है, एक्स जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। किसका एंटी डेरिवेटिव है, इस वन का एंटी डेरिवेटिव है। एक्स इज, और एक्स प्लस सी इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ वन। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दैट मीन्स ये कि अब हम ये पता करना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये साइन एक्स आएगा। अब ये माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो गया, बिकॉज कॉन्स्टेंट का क्या हो गया, सी। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इससे प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स यदि हम लोग निकालेंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओनली कॉस एक्स प्लस सी, नॉट कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखना होगा। तो ये है एंटी डेरिवेटिव के बारे में। तो इसके बारे में और बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले अब देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है वो कितने तरह का हो सकता है। इंटीग्रेशन दो तरह का है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये इसका सिंबल देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स हमें एफ एक्स का इंटीग्रल निकालना है। नाउ इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बट इसमें लिमिट लगा हुआ रहेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं लगा रहेगा, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये लिमिट लगा हुआ रहेगा। देखेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि इनडेफिनिट डिफरेंट इंटीग्रेशन को बनाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को बनाने के तरीके जो हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट बाय ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो ये हो गया बाय ट्रांसफॉर्मिंग। सेकंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एंड बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल।
तो ये चार मेथड्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन में जो एल्जेब्रिक इंटीग्रेशन है वो क्या क्या है। जैसे कि हम लोग प्लस को किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये दो फंक्शन है यू एंड वी, इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, यू का भी इंटीग्रेशन करेंगे प्लस वी का भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं। सेकंड नंबर में क्या है कि यू माइनस वी का भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग कर दिए इसको। और थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर आप देखिए यू इंटू वी डी एक्स को हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, यू डी एक्स इंटू वी डी एक्स, इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। एंड फोर्थ में क्या हो गया, यू बाई वी का डी तो यदि हम लोग करना चाहते हैं तो यू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके okay?